हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, वीडियो नंबर 8, एनसीईआरटी क्लास 11th, मैथ्स एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूँ। तो इससे पहले आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लीज़ एक बार वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपने पास जो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ए पी माइनस 6, है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि कितने जो है टर्म्स इस ए पी के, मैं ए पी यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस 6, माइनस 11/2, माइनस 5 एंड सो ऑन। कह रहा है कि ये जो ए पी है इसके कितने ऐसे टर्म जोड़े जाएं ताकि उसका सम जो है -25 आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इन दो टर्म्स को जोड़ते हैं तो 11.5 आ जाएगा माइनस में, तो ऐसे कितने टर्म्स हम जोड़ दें ताकि उनका जो सम हो कितना हो जाए, -25 हो जाए। एशियन 25 पूछा गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको एशियन जो है ये दिया हुआ है -25, और यहाँ पे एन जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। एशियन जो है पूरे जो है कितने ऐसे टर्म्स हम लगा दें, जोड़ दें ताकि उसका सम कितना आ जाए -25। इट मीन्स एशियन दिया हुआ है -25 और एन नहीं पता है कि एन कितने टर्म्स लगाएं। ए पता है, देखिए ए गिवन है, क्या है यहाँ पे ए -6। डी कैसे निकालेंगे आप, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11/2 माइनस और अगेन -6, तो माइनस माइनस प्लस। हमें पता है कि 6 जो है 6 प्लस में है और 11/2 कितना होता है 5.5, है ना, 5.5। तो 6 में से 5.5 जाएगा, 6 में से 5.5 जाएगा, कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो हम डायरेक्ट इसको 1/2, चाहो तो आप एलसीएम ले लेना, बट ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1/2 होगा। तो डी इक्वल टू आ गया अपने पास कितना, 1/2। अब अपने पास एन निकालना है तो एशियन का फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो दैट फॉर्मूला हम जानते हैं, एशियन इक्वल टू n/2 2a+ n-1 इंटू डी। एशियन का मान दिया हुआ है -25, ओके। n/2 n हमें तो निकालना है, 2a का मान कितना दिया है -6 प्लस n हमें निकालना है, इंटू डी कितना दिया हुआ है, तो डी हमने निकाला था 1/2। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 50, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 25 टू से कितना हो जाएगा माइनस का 50। ये एन ऐसे ही लिख देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12 प्लस। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे कर सकते हैं 2 से इसको डिवाइड करें, या फिर डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, या फिर अभी n माइनस 1/2 लिखते हैं उसके बाद एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे -50 लिखा, यहाँ पे इक्वल टू n, जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे तो माइनस का 24 प्लस n-1, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये 2 जो है इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, माइनस का 100 लिख सकते हैं। एन -24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, -25 -100 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो कितना हो जाएगा n² -25। अब इस -100 को उस साइड लेके जाएंगे, तो उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, मैं इसको डायरेक्ट ले ऐसे लिखता हूँ, n² -25, n भी तो रहेगा यहाँ पे, n से मल्टीप्लाई होगा, 25n और प्लस, क्योंकि इधर माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, प्लस 100, इधर क्या बच गया 0, तो इक्वल टू के उस साइड क्या बच गया है 0 एक साइड। अब इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 100 को फैक्टर करेंगे, तो 100 को यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 100 का फैक्टर किया हमने, 250 225 5551, इन फैक्टर्स का यूज़ करके हमें 25 लाना है और उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जोड़ने पे 25 आ जाए,
और मल्टीप्लाई करने पे, देखिए 25 फिर तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 और 5 × 25, तो 20 और 5 = 25 होगा और गुणा करने पे 100 आ जाता है। इसको ऐसे लिख लेंगे n² - 20n और फिर -5n और +100 = 0। तो देखिए -20 और -5 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +100 होगा और जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये -25, यही होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कर लेंगे, हम इसमें से कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, n - 20 बच जाएगा, है ना, माइनस। अब n - 20 इधर बनाने के लिए हम इधर -5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n - 20 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो n - 25 लिख दिया हमने, n - 20 दोनों में कॉमन है तो क्या बच जाएगा, n - 5 = 0। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो या तो n - 20 जो है 0 के बराबर होगा या फिर n - 5 जो है वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ पे n = 5। तो ये दोनों n = 5 के लिए भी और n = 20 के लिए, दोनों के लिए इसका सम क्या होगा, -25। तो हमारा आंसर आ गया n बराबर या तो n 5 होगा या फिर n 20 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।